तो आज गाइस आज हम लोग वापस आ गए हैं ब्लॉग पे और आज हम लोग उड़ाएंगे इतनी सारी पतंग। कल हम लोग उड़ाए थे 10 गिन कर है पतंग लेकिन कल हम लोग उड़ाने की कोशिश किए थे तो कल जो हवा भी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी लेकिन और आज हवा भी इतनी शानदार है और आज कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी बंदर भी नहीं है। तो आज हम लोग उड़ाएंगे ये पतंग और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं पतंग को बढ़ाते समय। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना किसी देरी सबसे पहले आपको पतंग ले ली है भाई, उसके बाद करना बांधना कुछ ऐसे है। तो कैमरा मैन से मैं दस रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इधर क्लोज व्यू ले ले। तो ऐसे आपको घिसना है घिस के छेद करना है, देखिए छेद दो छेद होंगे अब दो छेद इधर भी आपको बनाना है और अंदर बना। अब उसके बाद छेद तो बना लिया, अब इसके बाद डालने की देरी है। तो डालने के लिए आपके पास होनी चाहिए शक्ति, मंजे से कन्ना बांध सकते हैं लेकिन वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो शक्ति के साथ कन्ना बांध दे है ना, देख लेंगे कितनी बड़ी आप बांधना चाह रहे हैं, कितनी बड़ी बांध लेते हैं ठीक है। ऐसे तोड़े इसको, उसके बाद अब इसमें डाल के कन्ना कस दे और थोड़ा आप चाहे क्लोज व्यू ले लें। ये हक्कड़ पक्कड़ बम्बे जो उसे डाला तो उसके बाद देखिए ऐसे इसकी कन्नी बांध दे। मन नहीं आता है, कोशिश हम भी कर रहे हैं आप भी करिएगा, हार नहीं मानिएगा, कोशिश करने वाले की हार नहीं होता। फिर तो उसके बाद अब इस छेद में भी डाल दें और फिर निकाल दें कुछ इस प्रकार। और हवा बहुत तेज चल रही, घबराए नहीं, अपने जज्बातों को कंट्रोल करें और ऐसे समय में अपने पैर पीछे कर लें, सावधान रहें सतर्क रहें, बंदर का ध्यान रखते हैं। और बंदर का तो जरूर ध्यान दें, कल हम लोगों ने बंदर का ध्यान दिया था। उसके बाद ये देखिए बन गई है। कल बंदर डिस्ट्रॉय कर देते, आज हवा कुछ ज्यादा ही चल रहा है, हवा डिस्ट्रॉय कर रही है मतलब शांति नहीं है। उसके बाद ऐसे गेट बांध के आप एक बार सर्दी से चेक करने पतंग उड़ा के कि भाई कैसी उड़ रही है। अरे कहाँ गया पतंग, क्या सीन है। एक छत से दो पतंग बाज रहेंगे, एक लटाई पे हम लोग सर्दी लपेट रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बांट लेंगे और जितने भी मैदान है सबको खाली कर देंगे। इधर एक अंकल जी भी लड़ा रहे हैं, जवानी के दिन इनको याद कराएंगे। ये है अंकल जी, पीछे अंकल जी है, एक पीछे बहुत अंकल जी आज खेल रहे हैं। तो अंकल जी वैसे बिटवा जी होगा आज भाई अभी ये भी कन्ना बांधना सीख गए हैं मुझसे। हम पहले जानते थे कन्ना कैसे बांधना है। अब मेरी ये कलर की है, इसकी ये कलर की है, दोनों उड़ेगी, अब मजेदार रहेगी सीन। तो अब भाई मांझे से पतंग उड़ेगी और हवा बहुत तेज चल रही है। अबे माले मेरी सब्जी बांध देते यार, मेरी सब्जी बांध देते भाई, अबे भाई अब तो बांधो अबे इसमें बांधो भैया देख लो भाई मार को पटक में नहीं बांधा, कटाई बांध
चली गई हमें, अभी छोड़ दिए होते भाई। बहुत अच्छे देखा था, झील आया था नहीं देख पाए थे। अभी एक पेज काट चुका हूँ मैं और मेरी पतंग देखो इतनी ऊपर है। तो भाई कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं है क्योंकि ये भी अब उड़ाने ही जा रहा है ना। तो क्या ही बोलूँ मैं। तो गाइस अभी दो छत पतंग उड़ गई है। मसला क्या हो रहा है कि भाई हमारे पतंग में घुसे दे रहे हैं ये, और हमारी पतंग इतनी हरामी है घुसे जा रही है साली। सदी ले आना, बहुत मंजा बांध लियो बे, बहुत ज्यादा मंजा है बे। बाप रे भाई कितना मंजा है बे, बाबे भाई कितना मंजा बांध लियो, खींचना नहीं हम कट जाएंगे। सदी है मेरी बहुत लंबी थी वो, बहुत सही। अब कंट्रोल करना थोड़ा हाँ पतंग। तो भाई इतनी लंबी कर लिया भाई, देख रहे हो बदिया दीद लड़ा रहे हैं सब। हम छोटी पतंग लड़ाते हैं, देख लो भाई सामने कहीं टिका देते तुम। थोड़ा सा नहीं डूब जाएगी पतंग। अरे नहीं यार, रुको तुम अभी। अरे अभी थोड़ा सा हम भी उड़ाए। अभी तो हमने भी उड़ाए शायद, तुम तो कब से आए हो। तो छोटू उड़ाने के लिए बोल रहा है कि थोड़ी सी उड़ा ले। तो भाई बहुत अच्छी पतंग उड़ा रहा है ये यार, देख रहे हो नीली नीली पतंग है एकदम। कुछ दो शासन चल रहा है पतंग विद प्रिंस अभिषेक, देख रहे हो क्या हिच रहा है भाई, देख रहे हो हिचम हिच। शेख ने भी एक पतंग काट दी है, वो जा रही पतंग देखो इतनी दूर शायद दिखे। तो इन्होंने भी पतंग काट दी है भाई, और बहुत लंबे में काटा है हीच के भाई, एकदम हीचम हीच काटा है भाई, नीचे से पेड़ घुस के एकदम काटा दिया है भाई। गजब यार, गजब गजब सीन था, मतलब दिल खुश हो गया। मंजे में दम है क्यों, अब लग रहा था, अब दम है ना, कल नहीं लग रहा था। अब इसको काटो यार, इसको ये तो किला को। गाइस अभी कन्ने से कट गए हम, तो कन्ने से काट दिया उसने भाई, पता नहीं क्या सीन था, कन्ने से कट गए भाई। अब तक तीन पतंग में तीन पेज काट लिए हैं, तीन पेज में दो पतंग। तो अभी क्या सीन है कि अब हम लोग के पास आखिरी दो पतंग बची है, और एक ही भाई साहब उड़ा रहे हैं तो आखिरी दो और बची है, और एक मेरी कट के आ गई थी भाई, सारी पतंग खत्म हो गई है। हम लोग कट भी रहे हैं जितना हो उतना काट भी रहे हैं। तो मामला इक्विलिब्रियम में चल रहा है समझे, तो सब बराबर हो जा रहा है। और ज्यादा करेंगे, कोशिश करेंगे। एक पतंग तो ऐसे टूटी गई फर्जी में, और तो सामने पेड़ है। और एक सामने पेड़ है तो वहाँ फंस गई थी पतंग भाई। तो यही सब सीन है, दो पतंग तो फालतू चली गई। और भाई साहब कन्ना बांध रहे हैं, फिर ये जलवा दिखाएंगे अपना। पतंग की एक खास बात है कि हमेशा तनी रहती है, और ये भाई साहब पेज लड़ाने के लिए आ रहे हैं ये काले वाले भाई साहब। ये आ रहा है, आने दो। जब आप लोग पतंगबाजी मेरा जीत पाए, सामने वाली पार्टी बहुत मजबूत हो, कार्ड दे रही हो आपका, तो आप ऐसे दोहरा आगे बांध लें, पीछे कर्रा रखें और सद्दी का ऐसे सपोर्ट ले लें। इससे क्या होगा कि आपके जो चांसेस है जीतने के वो थोड़े बढ़ जाएंगे, ठीक है। और भाई एक डिसएडवांटेज भी है, हाथ वगैरह देख लो जानवर जैसे हो गए पूरे, कितने कट गए। ये हमारी लास्ट पतंग है, इसके अलावा कुछ नहीं बची, और ये पतंग इतनी हालत खराब कर दी है कि देख रहे हो किधर भाग रही, उधर भाग रही, कभी अपने मन से भाग रही है, सुनती नहीं है ये। ये पतंग एकदम गर्लफ्रेंड जैसे हो गई है, सुनती नहीं है, केवल अपनी बकबकाती है। ये देखो, तो एक, कभी कभी लगता है यार कोई को पंचर मारेगा।
तो गाइस अभी हम लोगों की पतंग एकदम खत्म हो गई है और हम लोग जितना काटा है उतना ही कटे हैं। तो मतलब कांस्टेंट है, एकदम कांस्टेंट रही है और एकदम इक्विलिब्रियम में रहे हम लोग ना ज्यादा। दो पतंग तो नुकसान हो गया फालतू का, तो एक तो ये पेड़ में फंस गई थी और एक भाई टूटी गई थी, मंजे खराब हो गया था इस वजह से। बाकी हम लोग के पास अभी सामान बहुत पर्याप्त बचा हुआ है, अभी मंजे भी बहुत बचे हुए हैं, लेकिन अभी पतंग की कमी हो गई है क्योंकि भाई 10-12 पतंग थी सब खत्म हो गई है और कल ही कल 3-4 ऑर्डर डाले थे हम लोग। तो यही बात है, अगर पतंग कहीं से आप भिजवा सको यहाँ तक, जस्ट किडिंग गाइस, तब तक हम लोग खत्म कर चुके रहेंगे। तो अभी देखो यार क्या आप सोचते हैं, पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, तो बताते हैं जैसा होगा। तो गाइस अभी हम आ गए हैं सरस्वती पार्क और हम लोग सोचे कि और चलो निकलते हैं, माहौल देखते हैं। तो माहौल कुछ ऐसा है कि आज थोड़ा ठंडी बढ़ गई है तो सन्नाटे हैं सब हर जगह, भाई देख लो हर तरफ सन्नाटा है। तो अब सोच रहे हैं कि चलो आओ थोड़ा कुछ चकोड़े खाएंगे हम लोग और फिर घर चल लेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक मुझे याद रखना, बाय बाय दोस्तों।